गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमें काल के बारे में पढ़ेंगे कि काल क्या होता है। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय, यानी काल किसको कहते हैं? काल समय को कहते हैं। काल किसको कहते हैं? समय को। काल कहते हैं समय को। तो अब हिंदी है, उसमें काल के बारे में जानेंगे। तो काल है कि परिभाषा क्या होती है? काल की परिभाषा क्या होती है? क्योंकि जो काल है, काल का क्रिया से बोध होता है। काल का किससे बोध होता है? क्रिया से। वाक्य है, वाक्य में काल का किससे पता चलता है? तो वाक्य में काल का क्रिया से पता चलता है। तो इसमें क्रिया का प्रमुख रोल होता है, क्रिया है उसकी प्रमुख भूमिका होती है। तो काल की परिभाषा बनती है क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में क्रिया के जिस रूप से वाक्य में समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वाक्य में समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। तो यहां पर काल है, उस काल का हमें कैसे पता चले, उसका हमें कैसे बोध हो? तो वाक्य है, उस वाक्य में क्रिया से ही हमें काल का बोध होता है। अब जैसे हम पढ़ते हैं राजेंद्र पुस्तक पढ़ता है, ये एक वाक्य है, यानी एक उदाहरण है, राजेंद्र पुस्तक पढ़ता है। तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य में हमें काल का बोध सिर्फ ये क्रिया करवा रही है, ये क्रिया है, इस क्रिया से हमें काल का बोध हो रहा है। तो अब इस आधार पर काल है, इसके तीन भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के तीन भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, और तीसरा है भविष्यत काल। इस तरह से काल के तीन भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, और तीसरा भविष्यत काल। अब जैसे राजेंद्र पुस्तक पढ़ता है, राजेंद्र ने पुस्तक पढ़ी थी, राजेंद्र पुस्तक पढ़ेगा, राजेंद्र पुस्तक पढ़ेगा। इस तरह से ये तीन वाक्य हैं, और तीन वाक्यों में इन तीनों कालों का निर्धारण है, तीनों कालों की जानकारी है। राजेंद्र पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है यानी पढ़ता वर्तमान काल हो गया, इसमें ता है तो वर्तमान काल हो गया। राजेंद्र ने पुस्तक पढ़ी थी, यानी पढ़ी थी तो पीछे काफी समय पहले पढ़ी थी, तो इसमें भूतकाल हो गया। राजेंद्र पुस्तक पढ़ेगा, यानी इसमें आने वाले समय का बोध हो रहा है। तो क्रिया के जिस रूप से वाक्य में समय का बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो अब हमें सबसे पहले काल के जो तीन भेद हैं उसमें पहला जो काल है यानी भूतकाल है, भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। भूतकाल क्या होता है? भूत का क्या अर्थ होता है? तो भूत है यानी भूतकाल, बीता हुआ समय। भूतकाल का मतलब होता है
बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, यानी वाक्य में बीते हुए समय का बोध होता है, और जिस वाक्य में बीते हुए समय का बोध होता है उसे ही हम भूतकाल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है? परिभाषा यह बनती है कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में बीते हुए समय का बोध होता है, बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे अमन ने फुटबॉल खेला, अमन ने फुटबॉल खेला, आरती ने पत्र लिखा था। अमन ने फुटबॉल खेला, आरती ने पत्र लिखा, तो इसमें क्या है कि जो क्रिया है इस क्रिया के रूप से हमें समय का बोध हो जाता है कि वाक्य है उसमें कौन सा काल है, ये वाक्य किस काल का है, इसका हमें सिर्फ क्रिया से ही बोध होता है, क्रिया से ही हमें जानकारी मिलती है। अमन ने फुटबॉल खेला यानी पहले खेल लिया, आरती ने पत्र लिखा था यानी आरती ने काफी समय पहले पत्र लिखा था। इस तरह से हमें काल की जानकारी सिर्फ और सिर्फ किससे, वाक्य में क्रिया से ही मिलती है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो भूतकाल है इसके कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल है इसके 6 भेद होते हैं, भूतकाल है इस भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, उसमें पहला है सामान्य भूत, दूसरा है आसन भूत, तीसरा है पूर्ण भूत, चौथा है अपूर्ण भूत, पांचवा है संदिग्ध भूत, और छठा है हेतु हेतु मदभूत। इस प्रकार से भूतकाल है, इस भूतकाल के 6 भेद हैं। पहला है सामान्य भूत, दूसरा है आसन भूत, तीसरा है पूर्ण भूत, चौथा है अपूर्ण भूत, पांचवा है संदिग्ध भूत, और छठा है हेतु हेतु मदभूत। तो अब हम सबसे पहले सामान्य भूत की जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी सामान्य भूत क्या होता है। अब इसमें भी मैंने आपको बताया कि काल है, इस काल में सिर्फ क्रिया से ही हमें काल का बोध होता है, वाक्य है उस वाक्य में सिर्फ क्रिया से ही हमें काल का बोध होता है कि इसमें कौन सा काल है। तो सबसे पहले हमें भूतकाल का जो पहला भेद है, प्रथम भेद है सामान्य भूत, सामान्य भूत के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में क्रिया के जिस रूप से वाक्य में सामान्य भूत
क्रिया के जिस रूप से वाक्य में सामान्य भूत में होने का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में सामान्य भूत में होने का बोध होता है, यानी क्रिया है वह भूतकाल में सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध कराती है। क्या कराती है? भूतकाल में सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध कराती है। संपन्न होने का बोध कराती है तो उसको क्या कहते हैं? सामान्य भूत कहते हैं। इसको हम कहते हैं सामान्य भूत। जैसे अजय ने खाना खा लिया, अजय ने खाना खा लिया, तो अब इसमें यह क्रिया जो खाना खा लिया, यह जो क्रिया है तो इस क्रिया से यह पता चल रहा है कि यह क्रिया भूतकाल में सामान्य रूप से संपन्न हुई है, तो इसलिए इसमें इस वाक्य में सामान्य भूतकाल है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, राम ने रावण को मारा, तो इस वाक्य में भी जो मारा जो क्रिया है वह है सामान्य भूत में होने का बोध कराती है, सामान्य भूत में संपन्न होने का बोध कराती है, यानी पूरी होने का बोध कराती है। इसलिए इस वाक्य में सामान्य भूतकाल है। दोनों जो वाक्य हैं उनमें क्या है? सामान्य भूतकाल है। तो इस तरह से यह अपना सामान्य भूत पूरा हो चुका है। अब आगे हम पढ़ते हैं जो दूसरा इसका भेद है, भूतकाल का दूसरा भेद है, वह है आसन भूत। क्या है? आसन भूत। दूसरा जो भूत है वह है आसन भूत। आसन भूत। अब आसन का मतलब होता है निकट। आसन है, इसका क्या अर्थ होता है? निकट। आसन का मतलब होता है निकट या पास या अबेबी। अब आसन भूत का कैसे पता चलता है? तो इसकी जो परिभाषा है वह क्या कहती है? परिभाषा क्या होती है कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य में अभी 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 संपन्न होने का बोध होता है उसे आसन भूत कहते हैं। उसे आसन भूत कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वाक्य में अभी अभी संपन्न होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कुछ ही समय पहले क्रिया संपन्न हुई है तो वह भूतकाल के अंतर्गत मानी जाती है। अब जैसे हम उदाहरण लेते हैं, विजय ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो यहां पर जीती है यानी राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती तो वह तो सामान्य भूत हो जाता। अब जीती है यानी अभी भी उसने
यह प्रतियोगिता जीती है, इसलिए इसमें आसनभूत हो गया। आसनभूत का, आसन का मतलब ही होता है कि निकट समय। आसनभूत का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, निकट समय। तो यहां पर जो सामान्य भूत की जो क्रिया है, जैसे हम अन्य क्रियाएं लेते हैं, जैसे लिया, उठा, मारा, खेला, ये जो क्रियाएं हैं ये सामान्य भूत की क्रियाएं हैं। और इन क्रियाओं के आगे अगर है लगता है, इन क्रियाओं के आगे है लगता है, तो ये जो क्रिया है ये किसकी हो जाती है, आसन भूत की क्रिया हो जाती है। यानी ये क्रिया युक्त जो वाक्य होता है तो उसमें क्या होता है, आसन भूतकाल होता है। अब जैसे एक वाक्य मैंने आपको यहां पर बताया है, अब मैं दूसरा बता रहा हूं। सरोज ने पत्र लिखा है, सरोज ने पत्र लिखा है। तो ये जो वाक्य, इस वाक्य में भी क्रिया से यही पता चल रहा है, इस वाक्य में क्रिया से यही पता चल रहा है कि क्रिया अभी अभी पूरी हुई है, तो इस कारण इसमें आसन भूत होता है। अब इसके बाद में हम भूतकाल का जो तीसरा भेद है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो तीसरा भेद है उसका नाम है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत, पूर्ण भूत। अब अगर कोई वाक्य है तो उस वाक्य में क्रिया से हमें यह पता चले कि इसमें जो कार्य है यह काफी समय पहले संपन्न हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, तो उस वाक्य में पूर्ण भूतकाल होता है। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य में, कि वाक्य में कार्य या क्रिया, कार्य काफी समय पहले पूर्ण हो चुका है, पूर्ण हो गया है या हो चुका है, तो वहां पर पूर्ण भूतकाल होता है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य में कार्य काफी समय पहले पूर्ण हो गया है या पूर्ण हो चुका है, तो वहां पर पूर्ण भूतकाल होता है। अब जैसे हम उदाहरण लेते हैं, अमन ने खाना खाया था, अमन ने खाना खाया था, तो यह जो वाक्य है इसमें क्या है, था लगने से यह पता चलता है कि यह क्रिया काफी समय पहले हो चुकी है और पूर्ण भूतकाल है। इसमें जो क्रिया है उस क्रिया के अंत में था, थे, थी प्रयुक्त होते हैं। था, थे, थी, था, थे, थी प्रयुक्त होते हैं। तो जिस वाक्य में क्रिया के अंत में था, थे, थी प्रयुक्त होते हैं उसमें पूर्ण भूतकाल होता है, और था, थे, थी उसी वाक्य में पूर्ण होते हैं, उसी वाक्य में संपन्न होते हैं, उसी वाक्य में लगते हैं जिसमें भी यह पता चलता है कि कार्य है यह काफी समय पहले हो चुका है, क्रिया है वह काफी समय पहले कर्ता कर चुका है। तो इस तरह से पूर्ण भूतकाल है, उसके अंत में था, थे, थी लगते हैं। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, विजय ने फुटबॉल खेला था, विजय ने फुटबॉल खेला था, तो इसमें भी खेला था तो यह है पूर्ण भूतकाल की क्रिया हो गई। इसलिए सीधी सी बात यही है कि अगर किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी प्रयुक्त होते हैं तो उसमें अपने को ये
सीधा सा पता चल जाता है कि इसमें पूर्ण भूतकाल है, यह है अपना पूर्ण भूतकाल है। अब इसके बाद में अगला हम भूतकाल का भेद पढ़ते हैं, वह है अपूर्ण भूतकाल। कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल यानी क्रिया है वह काफी समय पहले संपन्न तो हो चुकी थी, या नहीं सॉरी, क्रिया काफी समय पहले शुरू हो चुकी थी लेकिन अभी पूर्ण हुई है या नहीं हुई है, तो उसको हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे और इसके अंत में अपूर्ण भूतकाल की जो क्रिया होती है उसके अंत में क्या लगता है? रहा था, रहे थे और रही थी। रहा था, रहे थे, रही थी प्रयुक्त होता है अपूर्ण भूतकाल के अंत में, वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी प्रयुक्त होता है। तो जैसे हमें वाक्य बनाते हैं, बच्चा सो रहा था, बच्चा सो रहा था, लड़के पढ़ रहे थे, रीना खाना बना रही थी, रीना खाना बना रही थी। तो इन वाक्यों में हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि बच्चा सो रहा था यानी क्रिया शुरू हो चुकी थी लेकिन यह पूर्ण हुई है या नहीं हुई है, इसका हमें इस वाक्य में पता चल रहा है कि यह क्रिया पूर्ण नहीं हुई है या हुई है। लड़के पढ़ रहे थे तो ये इसका इससे भी हमें यह पता चल रहा है कि जो क्रिया है ये भूतकाल में यानी बीते हुए समय में शुरू हो चुकी थी लेकिन अभी पूरी हुई है या नहीं हुई है। ऐसे ही इसमें रीना खाना बना रही थी तो इसमें भी हमें यही पता चल रहा है कि रीना खाना बना रही थी, बनाना तो शुरू कर लिया था लेकिन उसने पूर्ण किया है या नहीं किया, इसलिए इसको कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। यानी इसमें क्रिया है उससे यह पता नहीं चलता है कि यह अभी संपन्न हुई है या नहीं हुई है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। अब ये आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अगला जो भाग है यानी इसका अगला जो भेद है वह पढ़ते हैं, संदिग्ध भूतकाल। इसका भूतकाल है, इसका जो पांचवा भेद है वह क्या है? संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल यानी क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में संपन्न होने पर संदेह प्रकट होता है, क्या होता है? संदेह प्रकट होता है तो वहां पर संदिग्ध भूतकाल होता है। परिभाषा क्या बनती है कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में संपन्न या पूर्ण होने में संदेह प्रकट होता है वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है। अब इसमें जो क्रिया है वो जो सामान्य भूतकाल की क्रिया है उसके आगे होगा, होगी या होंगे यह लगेगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं,
सुमन ने खाना खा लिया होगा। सुमन ने खाना खा लिया होगा तो ये यहां पर अंत में जो होगा लगा है तो इससे यह प्रकट हो रहा है कि क्रिया अभी पूर्ण हुई है या नहीं हुई है, यानी इसमें संदेह प्रकट हो रहा है। खाना खा लिया होगा तो इसमें संदेह प्रकट हो रहा है। संदेह प्रकट होने के कारण इसमें कौन सा यानी संदिग्ध भूतकाल है। अब इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं। महेश ने रेल यात्रा चलाई होगी तो इसमें भी संदेह प्रकट हो रहा है। महेश ने रेल चलाई होगी तो यहां पर होगी प्रकट होने के कारण इसमें संदेह हो रहा है तो इसलिए इसमें संदिग्ध भूतकाल है। अब बारी आती है अंतिम जो भेद है उसकी, और उसका नाम है हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या नाम है? हेतु हेतु मद भूतकाल। ये चौथा है अंतिम भूतकाल का अंतिम जो भेद है उसका नाम है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल यह अंतिम है। अब इसमें क्या है कि वाक्य है कि कोई वाक्य है, उस वाक्य में क्रिया के भूतकालिक रूप का एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर रहना, एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर रहना, तो वहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल होता है कि कोई वाक्य है उसमें क्रिया का जो भूतकालिक रूप है तो उसमें एक क्रिया पर दूसरी क्रिया का निर्भर रहना भूतकालिक क्रिया होता है। अब जैसे इसमें हम उदाहरण लेते हैं, संजय पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, तो यहां पर पढ़ता जो क्रिया है, यहां पर जो पढ़ता क्रिया है उस क्रिया पर यह होता निर्भर करती है, क्योंकि संजय अगर यह क्रिया करता तो अवश्य यह क्रिया हो जाती, इसलिए इसमें संदिग्ध इसमें हेतु हेतु मद भूतकाल है। यह अपना आज भूतकाल का जो टॉपिक है ये पूरा हो चुका है।